हेलो एवरीवन, हर टेस्ट और इंटरव्यू के लिए इंतहाई अहम नवंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान करंट अफेयर्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु इज़ द प्रेजेंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सो लॉ एंड जस्टिस के जो फेडरल मिनिस्टर हैं करंट, वो आज़म नज़ीर तारड़ हैं। आज़म नज़ीर तारड़ को शहबाज शरीफ ने 30 नवंबर 2022 को अपॉइंट किया है और इन्होंने 30 नवंबर को ही हलफ लिया है। सो आज़म नज़ीर तारड़ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच फाउंडेशन डे ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP सेलिब्रेटेड ऑन 30 नवंबर 2022। सो इसका करेक्ट आंसर 55th है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का योम तासीस मनाया गया 30 नवंबर 2022 को। ये 55वां योम तासीस था क्योंकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 30 नवंबर 1967 को इस्टेब्लिश किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। यही इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सैयद आसिम मुनीर है। सैयद आसिम मुनीर की बात करें तो इन्हें जो है सॉर्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया है। रावलपिंडी में पैदा हुए थे और इन्होंने 17वें आर्मी चीफ के तौर पर इन्होंने ओहदा संभाल लिया है 29 नवंबर 2022 को, और इन्होंने कमर जावेद बाजवा को रिप्लेस किया है। 2017 में ये मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी सर्व कर चुके हैं, यानी कि जो MI का हमारा इदारा है उसमें, और 2018 में इन्हें इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंट यानी कि ISI में भी ISI में भी ये सर्व कर चुके हैं, और इन्हें सितंबर 2018 में 3-स्टार जनरल के रैंक पर जो है ओहदा तरक्की दी गई है, प्रमोट किया गया है। सो सैयद आसिम मुनीर इसका करेक्ट आंसर है। प्रेजेंटली व्हाट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान इज़ अंडर एज ऑफ 30। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 64 है। 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 अरब हो चुकी है और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 230 मिलियन है, और इसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 64% जो पॉपुलेशन है वो अंडर एज ऑफ 30 है, यानी कि हमारे पास यंग ज़्यादा हैं और बुज़ुर्ग कम हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। रेनाउड कॉमेडियन इस्माइल तारा इंतकाल कर गए हैं 24 नवंबर 2022 को, और ये 73 बरस की एज में इंतकाल कर गए हैं किडनी फेल्यूर की वजह से। सो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इस तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। विच इज़ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री फ्रॉम डायबिटीज़ इन साउथ एशिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो पाकिस्तान है। साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो पाकिस्तान में हैं, अनफॉर्चुनेटली। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल मार्क ऑन 9th नवंबर 2022। सो इसका करेक्ट आंसर 145 है। 145वां योम पैदाइश मनाया गया है 9 नवंबर 2022 को अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल की बात करें तो ये 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इनके फादर का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालिदा का नाम इमाम बीबी था, और इन्होंने PhD की डिग्री जर्मनी से हासिल की थी। बांगे दरा, ज़रबे कलीम जो हैं इनकी फेमस किताबें हैं, और ये 21 अप्रैल 1938 को इंतकाल कर गए थे। हु इज़ द करंट फॉरन ऑफिस स्पोक्स पर्सन। सो इसका करेक्ट आंसर मुमताज़ ज़हरा बलोच है। मुमताज़ ज़हरा बलोच को 11 नवंबर 2022 को अपॉइंट किया गया है। पाकिस्तान डिफीटेड विच कंट्री टू रीच द T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2022। सो इसका करेक्ट आंसर न्यूजीलैंड है। पाकिस्तान ने 9 नवंबर 2022 को न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर, 7 विकेटों से शिकस्त देकर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा था। विच पाकिस्तानी इंडक्टेड इन ICC हॉल ऑफ फेम इन नवंबर 2022। सो इसका करेक्ट आंसर अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर पाकिस्तान के लेजेंडरी जो है क्रिकेटर थे, और इन्हें नवंबर में ही इंडक्ट किया गया है ICC हॉल ऑफ फेम में। और आपसे ये क्वेश्चन है कि इस वक्त कितने पाकिस्तानी हैं जो ICC हॉल ऑफ फेम में मेंबर्स हैं, तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। सो इसका करेक्ट आंसर 99 है। पाकिस्तान की जो रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2022 में आउट ऑफ 121 99th है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। सो 157 इसका करेक्ट आंसर है, और इसमें टोटल 180 कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान की जो रैंक है वो 157th है। टॉपर इसमें नार्वे है और बॉटम पर नॉर्थ कोरिया है। हु इज़ द करंट इंस्पेक्टर जनरल IG ऑफ पंजाब पुलिस। सो कंवर मोहम्मद शाहरुख,
यही इसका करेक्ट आंसर है। और एडिशनल चार्ज इन्हें दिया गया है नवंबर 2022 में, इनसे पहले फैसल शाहकार आईजी हुआ करते थे पंजाब पुलिस के। पाकिस्तान डिफीटेड विच कंट्री टू रीच द T20 वर्ल्ड कप, सो न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलगित बल्तिस्तान सेलिब्रेटेड इट इज डैश इंडिपेंडेंस डे ऑन 1st नवंबर 2022, सो इसका करेक्ट आंसर 75th है। गिलगित बल्तिस्तान ने GB ने 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है 1st नवंबर 2022 को, और 1st नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान ने ओवरटेक किया था डोगरा जो रूलर थे कश्मीर के वहाँ से। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इन विच सिटी वाज फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अटैक्ड ऑन 3rd नवंबर 2022, सो इसका करेक्ट आंसर वजीराबाद है। साबिक पाकिस्तान के जो वजीर आज़म हैं इमरान खान, PTI के चेयरमैन, इन पर अटैक किया गया है वज़ीराबाद में 3 नवंबर को, सो वज़ीराबाद इसका करेक्ट आंसर है। सुल्तान जो है एक अपकमिंग ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है, सो ये वसीम अकरम की है जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, वसीम अकरम इसका करेक्ट आंसर है। सोइंग ऑफ सुल्तान भी इन्हें कहा जाता है। हु इज़ द करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम, सो बिस्मा मारूफ इसका करेक्ट आंसर है, बिस्मा मारूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड वन ICC मैंस T20 वर्ल्ड कप बाय हाउ मैनी विकेट, सो 5 विकेट से पाकिस्तान को शिकस्त देकर इंग्लैंड ने ये जीत लिया है मैंस T20 वर्ल्ड कप। सो पाकिस्तान के 137 रन थे और इंग्लैंड ने 138 बनाए 19वें ओवर के आखिरी गेंद पर। अगर हम ICC मैंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2022 में इसका 8वां एडिशन हुआ है, और ये जो है होस्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने। इंग्लैंड इसका विनर है, पाकिस्तान इसका रनर अप है। पाकिस्तान इसको सिर्फ एक मर्तबा जीत चुका है 2009 में, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। मज़ीद डिटेल्स भी आप इसके बारे में यहां से देख सकते हैं। एज़ पर 15 नवंबर 2022, व्हाट इज़ द करंट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान, सो 1.9% इसका करेक्ट आंसर है। 15 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जो ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो 1.9% है। विच कंट्री रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज, सो रिसेंटली पाकिस्तान को UK ने, बरतानिया ने हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज से बाहर कर दिया है। और वेटरन जर्नलिस्ट इरशाद राव इंतकाल कर गए हैं 13 नवंबर 2022 को, 76 बरस इनकी एज थी, इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइव कॉप्स अमंग DSP किल्ड इन डैश ऑन 6 नवंबर 2022, सो इसका करेक्ट आंसर घोटकी है। घोटकी जो कि सक्खर के करीब सिंध में एक सिटी है, वहाँ एक हादसा पेश आया है जिसमें एक DSP और 5 पुलिस के एहलकार को शहीद किया गया है 6 नवंबर 2022 को। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपना पहला ऑफिशियल दौरा किया है 1 नवंबर 2022 को, किस कंट्री की तरफ दौरा किया है ये, चाइना इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट टाइम इन्होंने दौरा किया है, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार जिसे आइडियाज़ कहा जाता है 2022 का, किस सिटी ने होस्ट किया है, कराची ने इसको होस्ट किया है, और इसमें 15 नवंबर से लेकर 18 नवंबर के दरमियान ये एक सेमिनार हुआ है। इसमें 64 कंट्रीज़ ने शिरकत किया है, यानी कि 64 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। रेनाउड थिएटर कॉमेडियन तारिक तेडी इंतकाल कर गए हैं 19 नवंबर 2022 को, और ये 46 बरस की एज में इंतकाल कर गए हैं, पाकिस्तान के ये कॉमेडियन अदाकार थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी ये भी 18 नवंबर 2022 को इंतकाल कर गए हैं 86 बरस की एज में। हम इस YouTube चैनल पर हफ्तावार और माहाना पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाते रहते हैं, आप बाकायदगी से वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस चैनल पर आपको तमाम करंट अफेयर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है testpoint.pk, जहाँ हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0308253300। ये testpoint.pk वेबसाइट है, यहाँ आपको हर तरह के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, और ये करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर अपडेट किए जाते हैं, चाहे वो करंट गवर्नर्स की हो, या चीफ जस्टिस जो हैं, या फिर आर्म फोर्सेस के रिलेटेड, फेडरल मिनिस्टर्स के रिलेटेड, एम्बेसडर्स जो हैं पाकिस्तान के, और KPK के, बलूचिस्तान के, सिंध के, पंजाब के, ये तमाम आपको मिल जाएंगे। और स्पोर्ट्स के रिलेटेड,
आज़ाद कश्मीर के रिलेटेड पाकिस्तान की जो रैंकिंग है और एनिवर्सरीज़ जो हैं और ओबिचरीज़ और फॉरेन लोन, ये तमाम करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे डिटेल के साथ। यहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसको ज़रूर विज़िट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।